कई लोग कल्याणेश्वर महादेव भी कहते हैं, ध्यान देना जरा सा। कल्याणेश्वर महादेव का महत्व क्या होता है? ब्रह्म वेवत पुराण में पितरों की जो अन्य बेटियां थीं, उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, जब नाती पितरों का नाती जब घर पहुंचता था, उसका जब लालन पोषण करती थी और वो शिव की आराधना करता दिखता था, तो उसका नाम कल्याणेश्वरी रखते थे। एक निवेदन आप सबसे रहेगा, जिनके लीवर में किडनी में तकलीफें रहती है, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो, डायलिसिस भी चल रहा हो तो भी डॉक्टर को दिखाते रहो और इलाज कराते रहो, जांचें कराते रहो, डॉक्टर की दवाइयां लेते रहो, मना नहीं, पर दवाई को लेते हुए, डायलिसिस करवाते हुए किडनी लीवर पे सूजन आ गई हो या भोजन नहीं पच रहा हो, वोमिटिंग ज़्यादा आ रही हो, उस समय पर कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाकर मात्र दो बूंद जल भी, थोड़ा सा एक छोटी सी चम्मच के बराबर जल का भी अगर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लेते हो, तुरंत 5 से 7 मिनट लगता है और शरीर को एकदम आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। कल्याणेश्वर महादेव शिव शंकर की कथा, बाबा देव अधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। और जब ये कोई साधारण सा नाम नहीं है, दोनों नामों का स्मरण फिर से करिए। सुतपा के पुत्र का नाम क्या था? जम के बोलो जरा, कल्याण मित्र। याद हो जाना चाहिए आपको, हर कवि किसी भी जगह पर तुम्हें याद आ जाएगा, कोई संकट की घड़ी में भी पड़ा है उस समय पर कल्याण मित्र का नाम लेकर आपने जल का आचमन भी कराया तो उसमें फल प्राप्त है। डॉक्टर को दिखाने जाओ, एम्बुलेंस आए, उतनी देर में कल्याण मित्र का स्मरण होना चाहिए। जब लगे भूल गए नाम तो कल्याणेश्वर महादेव का नाम ले लो। महादेव तो महादेव है, करुणा करने वाले, उसका मात्र